इस समय हम मौजूद हैं संजोली मस्जिद के बाद, जहां जो विवाद अत्यधिक फैला था, वहीं बताना चाहेंगे कि 5 अक्टूबर को लगभग 46वीं पेशी है, अभी तक जो 45 पेशी हो चुकी है। जो ये मस्जिद है, ये विवाद लगभग दो समुदाय के बीच जब लड़ाई हुई थी महली के दौरान, तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आगे छिप गए, जिसके पश्चात दो बार यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद 5 और 11 सितंबर को भी धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा सत्र के दौरान भी जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जो काउंसलर समेत अनेक लोग वहां पर धरना प्रदर्शन पर पहुंचे। अगर कुसुमटी की बात करें, कुसुमटी में भी दो बार धरना प्रदर्शन किया गया। उसके पश्चात जो संजोली मस्जिद की विवाद के बाद प्रदेश के जो अन्य जिला, चाहे मंडी, कुल्लू समेत अनेक जो क्षेत्र है, वहां भी रोष रैलियां निकाली गई। जो अन्य क्षेत्रों में भी जो अवैध मस्जिद है, उसे तोड़ने के लिए लोग आगे आए। बताना चाहेंगे कि जो 4 अक्टूबर को संघर्ष समिति ने खासकर कल सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का ऐलान किया गया है, ऐसे में प्रदेश भर के जितने भी मंदिर है वहां पर हनुमान चालीसा का आयोजन किया जाएगा, ताकि प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि आए, ये कहना वहां के पदाधिकारियों का है। वहीं बताना चाहेंगे कि अभी तक जो ये अवैध निर्माण है, इसके लिए लगभग नगर निगम शिमला की तरफ से भी 35 नोटिस दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये निर्माण होता रहा है। बताया जा रहा है कि 14 सालों से ये निर्माण हो रहा है, 2010 में यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, जिसके पश्चात नगर निगम लगातार नोटिस देती रही, लेकिन नोटिस के बावजूद भी यहाँ पर धरने से यहाँ पर जो संजोली मस्जिद का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं कि पहले जो इमाम शहजाद था, उनका कहना था कि आज़ादी से पहले भी यहाँ पर जो मस्जिद थी, पहले कच्ची थी, दो मंजिला यहाँ पर था, लेकिन इसे तोड़कर 5 मंजिला बनाया गया। अक्सर देखा जाता है कि नगर निगम के अंतर्गत जो भी इमारत आती है, चाहे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर छज्जा भी बढ़ा देते हैं, तो उसको तोड़ दिया जाता है, पानी बिजली काट दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, नगर निगम आयुक्त के पास भी जो शहजाद इमाम है, वो भी ये थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ज्ञापन दिया तथा कहा कि या तो इस जो 3 मंजिला इमारत है, इसे या सील कर दिया जाए, अगर नगर निगम का आदेश होता है तो इसे तोड़ दिया जाएंगे। तो फिलहाल जो अब 5 अक्टूबर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन जो 4 अक्टूबर को जो संघर्ष समिति है, वो सभी मंदिरों में यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी देंगे। अब कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। जी सर, जानना चाहेंगे कि आपकी दुकान साथ ही इस मस्जिद के है, कितने वर्ष पुरानी ये मस्जिद है, क्या ये पूरा मामला है? ये मस्जिद जो है, ये ज़्यादा मतलब ये समझें कि लगभग हम जब इसको देख रहे हैं 1990, मतलब 1980 तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 1990 से हम इसको देख रहे हैं। तो इसको लेकर जो सर्वप्रथम जो विवाद शुरू हुआ, उस विवाद की जो जड़ थी वो मलयाणा से शुरू हुआ। मलयाणा की जो वहाँ के जो लोकल और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो सब उनका ये मानना था कि जो वहाँ पर मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके जो आरोपी थे वो इस मस्जिद में छुपे थे। और सर्वप्रथम यहाँ पर जो धरना हुआ, ये लोकल लोगों द्वारा किया गया। उसके बाद जो है वो ये विवाद जो है ये बढ़ा, और इस विवाद का जो है जैसे जैसे ये बढ़ता गया, 5 तारीख को प्रदर्शन हुआ, उसके बाद 11 तारीख को यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें एक मतलब कुछ ऐसे लोग जिसमें शामिल थे उस आंदोलन में, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, फिर उस पर लाठीचार्ज भी हुआ, और ये मामला जो है भड़क गया। और इस मामले में मैं तो सीधी बात कहूँगा, जब मामला कोर्ट में, नगर निगम कोर्ट में विचाराधीन है, मामला कोर्ट में जब विचाराधीन है, तो इस मामले की जो सुनवाई हो रही है, संविधानिक एक दायरा होता है, कानूनन एक दायरा होता है, उसी दायरे में रहकर जो है वो काम होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो ये मस्जिद है, इसका जो निर्माण हुआ है, जैसा कि ये खुद यहाँ पर यहाँ के जो मौलवी है और यहाँ की जो इनकी कमेटी है, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि जी हमारी जो 2 मंजिलें हैं वो अवैध है। तो इस मामले को अगर ये लोग चाहते हैं, ये अगर नगर निगम भी चाहे, चाहे सरकार भी चाहे, तो इस मामले को बड़े आराम से निपटा सकते हैं और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से हो सकता है, और कानून और संविधानिक रूप से हो सकता है। तो इन लोगों को ये एक मतलब एक से जनता भी परेशान ना हो, लोगों में जो आक्रोश है वो भी शांत हो, तो ये एक तरीका है, संविधानिक तरीका। और जो हम एक संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोर्ट के दायरे में रहकर जो कोर्ट का निर्णय है उसको लेकर वो होना चाहिए। और एक बात और है, जैसे कि पीछे इन्होंने वहाँ पर एक AIMI का जो आदमी यहाँ पर पहुँचा था, और उसको लेकर यहाँ पर एक लोगों के बीच गुस्सा पैदा हुआ, विवाद पैदा हुआ, और लोगों का ये मानना था कि वो आदमी कैसे यहाँ पर आ गया। तो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी,
तो यहाँ पर जो ये लोकल लोग हैं, जो हमारे यहाँ के मस्जिद जो कमेटी के लोग हैं, वो मुझे पूरा विश्वास है उस दिन वो लोग उसी के साथ थे और उन्हीं के कहने पर जो है वो यहाँ पर पहुँचा। ऐसे कोई गैर आदमी यहाँ पर कोई ले जा नहीं सकता। और जो समुदाय मुस्लिम समुदाय है, मस्जिद है, उन लोगों का आना जाना रहता है, तो इस पर ज़्यादा उनकी पूछताछ नहीं हुई है। तो जिस तरीके का उन्होंने जो विवादित बयान दिया कि ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये क्या होते ये अवे इसका भी वो होना चाहिए, तो ये देखना चाहिए कि जो वहाँ से आए AMI के जमाई, उन्होंने ये कहा तो वो एक तो पहली बात आर्किटेक्ट नहीं है, वो JEE नहीं है, उसने कोई यहाँ पे पैमाइश नहीं की। पहली मरतबा वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आते ही ये बयान दे दिया कि जो ये सामने वाली, अरे पहले ये तो पता करो कि ये सामने वाला जो मकान है इसका दायरा क्या है, नक्शा, पर्चा, ततीमा, ये हर चीज़ को दायरे में रहकर यहाँ पर भवनों का निर्माण होता है। और ये विवाद जो है ये मस्जिद और ये मस्जिद का है, ना कि किसी अन्य भवन के साथ है। तो लोकेलिटी में जो इस तरीके की जो भावना जो लोगों के बीच डर उस इन लोगों के जो जो जमाई आया था उसके द्वारा जो फैलाया गया है, लोगों में डर का माहौल है, होता है, कई तरह की बातें आती है। और ऐसा नहीं है कि भवन निर्माण हुए हैं शिमला में, कई दिक्कतें आती है, अपने अपने तरीके से सब कुछ ये होता है। तो ये विवाद और इस विवाद के साथ जो यहाँ की जो मकान है उनके साथ इस विवाद को ना ही जोड़े तो अच्छा है, क्योंकि ये विवाद मस्जिद का विवाद है,